वेलकम टू लर्निंग विद शेर यार आज हम जिस टॉपिक को शुरू करेंगे वो है सिग्निफिकेंट फिगर चैप्टर वन का लास्ट टॉपिक इससे पहले हम जितने भी टॉपिक्स है वो सारे के सारे डिस्कस कर चुके हैं हमने कोई भी <coughs> हमने कोई भी फिजिकल क्वांटिटी एक्सप्रेस करनी हो तो हमारे पास कोई ना कोई उसकी नमेरिक वैल्यू होती है साथ उसके कोई ना कोई यूनिट होता है हमारी कोशिश होती है कि हम उसके साथ एकोरेट वैल्यू दें और अच्छे तरीके से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकें अब हम कोई भी मेयरमेंट करते हैं ना तो वो मुख्तु फैक्टर पे डिपेंड करती है कि अगर वो फैक्टर ठीक होंगे तो हमारे पास कोई वैल्यू अच्छे तरीके से फाइंड आउट हो सकती है सबसे पहले तो हम जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं उसकी क्वालिटी किस तरह की है नंबर टू हमारे पास जो चीज़ मेजर करने वाला है मिसाल के तौर तो पर मे तो मुझे कितना तजर्बा है उस चीज़ को मेजर करने का नंबर थ्री हमारे पास हमने कितने टाइम एक चीज़ को मेजर किया है कभी भी एक बार अटैम्प्ट करके हमारे पास राइट आंसर नहीं आ सकता मिसाल के तौर तो पे अगर एक स्टूडेंट है वो हमारे पास एक बुक की लेंथ करता है मेयरिंग टेप से उसके पास आ जाती है एटीन सेंटीमीटर वैल्यू तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर है उसकी मेजरमेंट में हमारे पास वो दो हैं यानी वन और रेट दो फिगर्स हो गए हमारे पास लेकिन जो लेफ़्ट वाला है वन वो तो हमारे पास एक्यूरेट है लेकिन जो राइट पे लिखा हुआ है एट हमारे पास है ना एटीन सेंटीमीटर तो यहाँ पे हमारे पास जो वन है वो तो एक्यूरेट वैल्यू है लेकिन जो एट है वो हमारे पास डाउटफुल है कि वाकई एट आता है इसके आगे और कोई वैल्यू नहीं आती एक और स्टूडेंट है वो इसी चीज़ को मैयर करता है लेकिन वो कहता है कि इसकी लेंथ आइए एटीन पॉइंट फोर सेंटीमीटर तो इस केस में क्या होगा हमारे पास तीन डिजिट्स आ गए जिनमें से हमारे पास एटीन पॉइंट फोर अब यहाँ पे हमारे पास दो तो ये दो डिजिट्स हैं ये एकट आ जाएंगे लेकिन जो नेक्स्ट वाला फोर है वो हमारे पास डाउटफुल आ जाएगा कि स्टूडेंट के बारे में श्योर है या नहीं है इसके बाद अगर कोई और बच्चा या स्टूडेंट उसी चीज़ को मेजर करता है उसकी वैल्यू आ जाती है एटीन पॉइंट फोर टू फाइव उसी सेम रूलर से अब हमारे पास तीन तरह की वैल्यू आ गई लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास 18.425 आई है यहाँ पर भी हमारे पास जो एक्ोरेट वैल्यू होगी वो 18 होगी और डाउटफुल फोर होगा क्योंकि जो मीटर रूल है हम उसकी मदद से ये 2 और 5 मेयर नहीं कर सकते तो हम इसको सिग्निफिकेंट फिगर में मेयर नहीं लेते बेसिकली सिग्निफिकेंट फिगर की हमारे पास डिफिनेशन क्या बनती है द सिग्निफिकेंट फिगर आर ऑल द डिजिट्स दैट अन नॉन एक्ोरेटली एंड दन एस्टिमेटेड डिजिट मोर सिग्निफिकेंट फिगर मीन्स ग्रेटर प्रिसिजन यानी कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में वो सारे के सारे डिजिट्स आते हैं जो एक्ोरेट हों और एक एस्टिमेटेड जैसे मैंने कहा था डाउटफुल डिजिट है राइट साइड पर इस तरह से एक एस्टिमेटेड डिजिट उस साथ में सिग्नीफिकेंट फिगर में आ जाता है जितने ज़्यादा हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास प्रिसिजन होगी यानी कितना उतना ज़्यादा हमारे पास एकोरेट आंसर आएगा अब सिग्निफिकेंट फिगर में लिखने के लिए हमारे पास कुछ रूल्स होते हैं जैसे के जीरो कि दि नॉन ज़ीरो डिजिट्स वेयर सिग्निफिकेंट यानी कि ज़ीरो के अलावा कोई डिजिट्स आ गए वो सारे के सारे सिग्निफिकेंट फिगर में आएंगे अगर कोई ज़ीरो दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान में आ गए मिसाल के तौर हमारे पास आ जाता है टू ज़ीरो ज़ीरो फ़ाइव यानी कि ज़ीरो आ रहा है दो नॉन ज़ीरो के दरमियान तो वो भी हमारे पास क्या होगा सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा फाइनल और एंडिंग जीरो ऑन द राइट इन डेसिमल फ्रैक्शन आर सिग्निफिकेंट जीरो रिटर्न ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ डेसिमल पॉइंट फॉर द पर्पस ऑफ स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट और उससे लास्ट पे हमारे पता है इन होल नंबर डेट एंड इन वन आर मोर जीरो without a decimal point these zero may or may not be significant in such case it is not clear which zero to serve locate the position value and which are actually part of the measurement in such a case express the quality using scientific notation to find the significant zero इसके रूल्स को साथ विद एग्जांपल सॉल्व करते हैं जैसे पहले कहा था कि कोई भी ज़ीरो के अलावा नंबर आ जाता है तो वो हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा जैसे ट्वेंटी सेवन है तो यहाँ पे टू सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं टू सेवेंटी फ़ाइव है तो यहाँ पे थ्री सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं इसके बाद कहा था कि अगर ज़ीरो बिटवीन इनकी सिग्निफिकेंट फिगर के दरिया में ज़ीरो आ जाए जैसे टू सेवन ज़ीरो फ़ाइव अब ज़ीरो इनके दरमियान में आ गया ना तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा नंबर थी था ज़ीरो और ज़ीरो आफ्टर द डेसिमल यानी कि यहाँ पे डेसिमल के बाद हमारे पास जो ज़ीरो आएंगे राइट right साइड पर फिर बता रहा हूँ डेसिमल के बाद आ रहे हैं लेकिन राइट right साइड पर तो वो भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में आ जाएगा लेकिन अगर वही ज़ीरो अगर हमारे पास लेफ्ट साइड पर आ जाए जैसे ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो थ्री ज़ीरो पॉइंट ज़ीरो टू सेवन तो यहाँ पर हम इनको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करेंगे राइट right साइड पे होंगे तो करेंगे लेफ्ट साइड पर होंगे तो नहीं करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर आ जाते हैं टू और यहाँ पर जस्ट थ्री था तो यहाँ पे एक आ जाता है एक एग्जांपल दी गई है ज़ीरो पन्न ज़ीरो टू जीरो सेवन ज़ीरो अब लेफ़्ट साइड पे जो ज़ीरो आए वो कैंसिल हो गए यहाँ से कोट करेंगे ये फर्स्ट हो गया अब ये ज़ीरो है तो ज़ीरो के साथ क्या बता रहे हैं हमारे पास एक और डिजिट्स भी आ रहा है तो इसलिए ये भी सिग्निफिकेंट फिगर में है ये भी है और ये भी है यानी यहाँ पे हमारे पास सिग्नीफे फिगर कितने फोर आ रहे हैं इसके अलावा हमारे पास कुछ एग्जांपल दी गई है कि वन जीरो जीरो पॉइंट एट तो हम इनको कैसे बता तो सकते तो हैं कि इनके सिग्निफिक कितने जब इनको साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे और साथ में ये भी कहा गया एक्सप्रेंस साइंटिफिक नोटेशन तो यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिक फिगर कितने वन ज़ीरो ज़ीरो एट है ना यानी दो सिग्निफिकेंट फिगर के दरमियान जो जीरो आते हैं वो भी सिग्निफिकेंट फिगर होते हैं तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास टोटल कितने फोर यहाँ पर लेफ्ट साइड पर जो ज़ीरो होते हैं हम उनको काउंट नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर में तो हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर रहेंगे थ्री और यहाँ पर हमारे पास वन टू थ्री और पॉइंट के बाद ज़ीरो आए ना तो ये भी हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर में ऐड हो जाएगा तो यहाँ पे फोर अब बात आती है इनको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे साइंटिफिक नोटेशन में लिखने का मेथड आपको बताया गया था कि हमारे पास जो पॉइंट होता है उसको पहले नॉन ज़ीरो के फर्स्ट नॉन ज़ीरो के साथ लेकर आते हैं हम पॉइंट यहाँ पर कहाँ पर है ज़ीरो के बाद है ना वन तक लेकर आएँगे तो इसके दरमियान जितने भी नंबर आएंगे वो कोई भी नंबर हो सकते हैं ज़ीरो वन टू थ्री फोर हमें वो कोई नहीं आ के कौन सा नंबर हमें जस्ट काउंट करना है कितने टाइम आ रहा है यहाँ पे टू जीरो आ रहे हैं तो यहाँ पे हम टेन की पावर टू लिखेंगे हम राइट साइड से लेफ़्ट साइड पर गए हैं तो इसलिए वो पावर पॉजिटिव है अगर हम बात करेंगे ज़ीरो पॉइंट जीरो ज़ीरो फाइव एट ज़ीरो की अब देखें यहाँ पे पॉइंट ये है अब यहाँ से लेकर जब यहाँ तक जाएंगे तो कितने डिजिट्स आ रहे हैं वन टू थ्री तो टेन की पावर थ्री लिखेंगे लेकिन साथ में क्या लिखेंगे नेगेटिव लिखेंगे नेगेटिव क्यों लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास लेफ्ट साइड से राइट साइड पर गया है और लास्ट वन हमारे पास टू वन ज़ीरो पॉइंट जीरो तो यहाँ से हम क्या करेंगे कि इस पॉइंट को यहाँ से यहाँ तक लेकर आएंगे टू डिजिट्स आ रहे हैं तो यहाँ पे टेन की पावर टू आ जाएगी तो इस तरीके से हमारे पास ये सिग्निफिकेंट फिगर और साइंटिफिक नोटेशन आ जाता है इसके अलावा आपको एक और चीज़ बता दूं कि हम राउंड ऑफ़ कैसे करते हैं कोई भी नंबर हमारे पास कहा जाता है कि वन पॉइंट नाइन फोर थ्री को राउंड ऑफ़ करें जब हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो हम लास्ट वाले डिजिट्स को देखते हैं अगर तो हमारे पास लास्ट वाला डिजिट फाइव से बड़ा हो लेस हो चले यहाँ पर लेस की बात कर ले अगर तो फाइव से वो लेस है अगर तो वो फाइव से लेस है मतलब तो फोर है थ्री है टू है वन है तो हम क्या करेंगे कि उससे पहले वाले जो नंबर होगा वो चेंज नहीं करेंगे वो उसी तरीके से रहने देंगे अगर यहाँ पे वन पॉइंट नाइन फोर थ्री है ना राउंड ऑफ का आ गया है तो लास्ट वाला नंबर देखें थ्री है तो फाइव से छोटा नंबर है ना तो यहाँ हम इसको फोर रहने देंगे इस तरह नेक्स्ट देखें अगर हमारे पास फ़ाइव से बड़ा नंबर आ जाए सिक्स सेवन एट नाइन आ जाए तो हम क्या करेंगे जैसे यहाँ पर लिया गया वन तो हम इसको राउंड ऑफ करके 1.5 कर देंगे यानी इससे पहले वाले नंबर में एक ऐड कर देंगे ये तो बात होगी अगर फाइव से बड़ा हो या फाइव से छोटा हो लेकिन अगर हमारे पास एग्जैक्ट फाइव आ जाए तब हम क्या करेंगे अगर हमारे पास एग्जैक्ट फाइव आ जाए तो हम क्या करते हैं कि उसके करीब तरीन जो भी ईमन नंबर बनता है जैसे यहाँ पर दिया गया है वन हमने मैंने क्या कहा है नंबर तो थ्री के आसपास पास ईमन नंबर इसके बाद कौन सा बनता है फोटी क्योंकि हम थ्री से अगर बैग जाते हैं तो यहाँ पे क्या बनेगा थर्टी थर्टी इवन तो नंबर नहीं है ना थर्टी फाइव के करीब करीब कौन सा नंबर बनता है फोर्टी तो हम इसलिए यहाँ पे लिख देंगे वन पॉइंट फोर लेकिन अगर यहाँ पे पहले हमारे पास कोई नंबर दिया गया वन पॉइंट फोर फाइव वन पॉइंट फोर फाइव अगर हम इसको राउंड ऑफ करते हैं तो ये फिफ्टी बन सकता है बैक साइड राउंड ऑफ करते हैं तो फोर्टी बन सकता है अब ईवन नंबर कौन सा है अब जो फिफ्टी होता है वो ईवन नंबर यानी कि जो हमने फिफ्टी नहीं देखेंगे हम जैसे इस नंबर को देखेंगे फाइव को कि इसको राउंड ऑफ़ करें तो ये ईवन नंबर है या आठ नंबर है तो यहाँ पर हमारे पास फोर जो है वो ईवन नंबर है इस वजह से यहाँ पर फाइव तो है लेकिन जब हम इसको राउंड ऑफ़ करेंगे इसको हम फोर ही रहने देंगे हम इसको फाइव में चेंज नहीं करेंगे तो आज की वीडियो में हमने ये देखा कि हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर क्या होते हैं हम सिग्निफिकेंट फिगर को कैसे काउंट कर सकते हैं इसके अलावा हमने ये देखा कि हमारे पास राउंड ऑफ़ का मेथड क्या होता है आज की वीडियो में इतना ही थैंक यू